नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली सरकार ने बिजली की कटौती में इजाफा होने की आशंका जताई है। राजधानी के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने शुक्रवार को पैनिक बटन दबाते हुए कहा कि कुछ पावर प्लांट्स में एक दिन का ही कोयला स्टॉक बचा है। इससे पहले गुरुवार को उन्होंने कहा था कि दिल्ली को मिलने वाली बिजली आपूर्ति में कमी आई है और इसके चलते निर्बाध सप्लाई जारी रख पाना संभव नहीं होगा। उनका कहना था कि यदि दिल्ली को मिलने वाली बिजली की सप्लाई में कमी जारी रही तो फिर मेट्रो और अस्पतालों के संचालन में समस्या आ सकती है। यूक्रेन पर रूस का हमला 2 महीने से अधिक से जारी है। इस बीच फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो यानी कि उत्तरी अटलांटिक संघीय संगठन के सदस्यता लेने की बात कही है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ही देश मई में आधिकारिक तौर पर नाटो में सदस्यता लेने की बात कर चुके हैं। लेहती अखबार के मुताबिक फिनलैंड और स्वीडन ने नेता 16 मई के करीब मिलने की योजना बना रहे हैं और उसके बाद सार्वजनिक रूप से गठबंधन में शामिल होने के लिए आवेदन करने की अपनी योजना की घोषणा कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा कर लिया है। पार्टी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम रमन सिंह समेत दोनों राज्यों के बड़े नेताओं के साथ बैठक की। संभावनाएं जताई जा रही है कि भाजपा एमपी के कुछ मंत्रियों को बदल सकती है। यहां पार्टी 50% से ज्यादा वोट हासिल कर बहुमत से सत्ता बनाए रखने की कोशिश में है। वहीं पड़ोसी राज्य में नए चेहरे के साथ चुनाव में उतरने की तैयारी हो रही है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भोपाल कक्षा 10वीं 12वीं के परीक्षा परिणाम जारी हो गए हैं। परीक्षार्थी mprizults.nic.in, mpbse.nic.in, mpbse.mponline.gov.in के अलावा अन्य वेबसाइट पर जाकर परिणाम चेक कर सकते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी बच्चों को शुभकामनाएं दी हैं। इस साल करीब 18 लाख विद्यार्थी ने 10वीं 12वीं की परीक्षा दी थी। एमपी बोर्ड ने 10वीं की परीक्षा 17 फरवरी से 12 मार्च और 12वीं की परीक्षा 18 फरवरी से 10 मार्च के बीच आयोजित की थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर ने पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी पर जमकर निशाना साधा है। कनेरिया ने अफरीदी को झूठा, मक्कार और कैरेक्टरलेस आदमी बताया है और साथ ही कहा है कि वो टीम में बाकी खिलाड़ियों को उनके खिलाफ भड़काने का काम करता था। कनेरिया को 2012 में स्पॉट फिक्सिंग मामले में बैन किया गया था। कनेरिया ने पाकिस्तान की तरफ से 2000 से 2010 के बीच 61 मैच जो कि टेस्ट थे और 18 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद दोनों पड़ोसी मुल्क के बीच छिड़े युद्ध के चलते वैश्विक बाजार में भारत के गेहूं की डिमांड और ज्यादा बढ़ गई है। गेहूं की मांग में जबरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है जिसके चलते किसानों को भी खूब लाभ मिल रहा है। एक दशक से अधिक समय से पहली बार एक सीजन में भारतीय किसान अपनी नई गेहूं की फसल को राज्य के भंडार के बजाय निजी व्यापारियों को बेच रहे हैं क्योंकि वैश्विक गेहूं की कीमत ने भारत के आपूर्तिकर्ताओं को एक नया लाभदायक रास्ता दिखाया है। देश के कई इलाकों में लू का कहर अगले 24 से 48 घंटों तक और जारी रहेगा। इसके बाद तापमान में गिरावट आने का अनुमान है। मौसम विभाग के सीनियर वैज्ञानिक आरके जेनामनी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि 2 से 4 मई तक राजस्थान, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। 2 से 4 मई तक तापमान 36 डिग्री से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। भारत के बाद अब संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी दिल्ली मॉडल की गूंज सुनाई दे रही है। आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी ने यूएनजीए में अपने संबोधन में दिल्ली में केजरीवाल शासन मॉडल की खूबियां बताते हुए इन पर प्रकाश डाला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने आतिशी को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। कालकाजी सीट से विधायक आतिशी ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक है। हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने संयुक्त राष्ट्र की खरीद एजेंसियों के माध्यम से कोवैक्सीन टीकों की सप्लाई को सस्पेंड कर दिया था, जिसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय का एक लेटर वायरल हुआ है जिसमें कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक का कथित तौर पर नसीहत दी गई है कि इससे जुड़े मुद्दों को हल करे। हालांकि इस मामले पर विदेश मंत्रालय ने अब सफाई दी है। खबर है कि कोवैक्सीन टीकों की सप्लाई सस्पेंड किए जाने के कुछ सप्ताह बाद विदेश मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि WHO द्वारा टीके के आपात उपयोग की मंजूरी को रद्द किए जाने से बचने के लिए भारत बायोटेक को तत्काल ध्यान देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम से अपने आवास पर एक सिख प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी करेंगे। खुद पीएम ने ट्वीट कर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वो इस दौरान एक सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि आज शाम मैं अपने आवास पर एक सिख प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी करूंगा। समूह के विभिन्न क्षेत्रों के लोग शामिल होंगे। मैं शाम करीब 5:30 बजे सभा को संबोधित करूंगा, जरूर देखें। अब सिटी बसों में भी यात्री उबर ऐप से ऑनलाइन सीट बुक करवा सकेंगे। वहीं ऐप पर बस से संबंधित सटीक जानकारी भी यात्री ले सकेंगे। इस सुविधा से यात्रियों को बस में सीट मिलेगी या नहीं, इस झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अभी 2 रूट पर यह सुविधा यात्रियों को मिलेगी। सफल होने पर अन्य रूटों पर भी यात्रियों को सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। पंजाब में बिजली कटौती में कपास की खेती प्रभावित होने की खबर आई है। इसके चलते राज्य के किसान भी जमकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उदाहरण के लिए खोकर में किसानों ने आम आदमी पार्टी की सरकार का पुतला जलाया है। किसानों के हर रोज 6 से 10 घंटों तक बिजली कटौती होने का दावा किया है और बिजली कटौती के अलावा लू के चलते भी किसान खासे परेशान है। ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब नई बनी आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से फ्री बिजली देने की बात कही जा रही है।
टाटा मोटर्स ने आज यानी 29 अप्रैल 2022 को भारत में एक बिल्कुल नई इलेक्ट्रिक कार के कॉन्सेप्ट वर्जन को पेश किया है, जिसका नाम टाटा एवेन्या इलेक्ट्रिक SUV है। ऑल न्यू टाटा एवेन्या SUV कंपनी ने जेन 3 प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल आर्किटेक्चर पर आधारित होगी। इसके अलावा ये टाटा की दूसरी इलेक्ट्रिक कार है जिसे एक महीने के भीतर पेश किया गया है। यरूशलम स्थित अल अक्षा मस्जिद परिसर में शुक्रवार को झड़प देखी गई, जिसमें 12 लोग के जख्मी होने की खबर सामने आई है। ये जानकारी फिलिस्तानी रेड क्रिसेंट ने दी है। इसके बाद मौके पर पहुंची इजरायली सेना ने फिलिस्तानियों को वहां से हटाया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस घटना के लिए इजरायली सेना की निंदा की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि इजरायली सेना द्वारा की गई हिंसा के खिलाफ हम फिलिस्तानी लोगों के साथ एकजुटता प्रकट करते हैं। हर रमजान के वक्त अल अक्सा मस्जिद में इजरायली सेना हिंसा को अंजाम देता ही है। IIT मद्रास में शुक्रवार को 11 और कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। इसके साथ ही यहां कुल संक्रमितों का आंकड़ा 182 पर हो गया है। ये जानकारी तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर जे राधाकृष्णन ने दी है। देश में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। लगातार दो दिनों में नए मामलों का आंकड़ा 3,000 से अधिक आ रहा है। बाहरी दिल्ली के भलसवा लैंडफिल साइट पर 26 अप्रैल से लगी आग आज भी बुझने का नाम नहीं ले रही है। अभी कुछ क्षेत्रों में आग जारी है, जिसके धुएं से लोगों की सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है। लैंडफिल साइट पर पिछले एक महीने से कई बार ऐसी घटना हो चुकी है। दूसरी तरफ जापान, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के नेता क्वाड मीट में 24 मई को टोक्यो जापान में मिलने वाले हैं। जानकारी के अनुसार इस बैठक के इतर पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन मिल सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बेंगलुरु में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि ऐसा सम्मेलन भारत में हो रहा है। सेमीकंडक्टर दुनिया में हमारी कल्पना से कहीं अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और हमारे इस कदम से भारत सेमीकंडक्टर का हब साबित होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंसा को लेकर बड़ा बयान दिया है। भागवत ने गुरुवार को कहा है कि हिंसा से किसी को फायदा नहीं होता। भागवत ने देश के कई हिस्सों में विभिन्न समूहों के बीच हालिया झड़पों की पृष्ठभूमि में आने वाली टिप्पणियों पर सभी समुदाय को एक साथ लाने पर मानवता की रक्षा करने की आवश्यकता पर जोर भी दिया है। बीते दिन की दो खबरें विश्व में ईंधन के लिए स्रोत की तरह ध्यान आकर्षित कर रही है। पहली रूस द्वारा यूरोपीय देश पोलैंड और बुल्गारिया को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति बंद करने के बारे में है। दूसरी खबर है कि रायसीना डायलॉग से जुड़ी है, जहां केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि कार्बन उत्सर्जन की विकराल समस्या के समाधान में भारत अग्रणी भूमिका निभाएगा। इन दोनों की खबरों के संदर्भ में हरित ईंधन यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन का उल्लेख स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि ये विश्व के लिए नया ऊर्जा स्रोत बन रही है और भारत इस दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। योजनाएं बनी है, अमल भी शुरू हो चुका है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों के जज्बे के हमने कई किस्से सुने हैं, लेकिन आज हिमवीरों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले उत्तराखंड हिमालय में बर्फ पर योग करके कमाल कर दिखाया है। जवान 15,000 फीट की ऊंचाई पर योग सत्र के में भाग लेते हुए दिख रहे हैं। ITBP द्वारा शेयर किए गए वीडियो में दिख रहा है कि कैसे जवान इतनी बर्फ में बड़े जोश से योग कर रहे हैं। बता दें कि यहां का तापमान अमूमन -30 डिग्री तक रहता है। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 3,377 नए मामले सामने आए। ये लगातार दूसरा दिन है जब कोरोना के मामले 3,000 से ज्यादा हैं। इससे पहले कल यानी गुरुवार को 3,303 मामले दर्ज किए गए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार सुबह कोरोना को लेकर अपडेट जारी किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटे में कोरोना से 2,496 लोग रिकवर हुए। वहीं एक्टिव केस बढ़कर अब 17,801 हो गया है। मंत्रालय ने बताया है कि शुक्रवार को जान गंवाने वालों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संयुक्त राष्ट्र की खरीद एजेंसियों के माध्यम से कोवैक्सीन टीकों की आपूर्ति निलंबित कर दी गई है, जिसके बाद अब विदेश मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि WHO द्वारा टीके के आपात उपयोग की मंजूरी को रद्द करने से बचने के लिए भारत बायोटेक को तत्काल इस मुद्दे पर ध्यान देना होगा। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे कार्यकाल के लिए महासचिव शी जिनपिंग को फिर से चुने जाने की संभावना प्रबल है, जो देश के इतिहास में एक नया मिसाल कायम करेगा। साल 2012 में सर्वोच्च पद पर आसीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग को सर्वसम्मति से 22 अप्रैल को CPC गुआनशिगी क्षेत्रीय बैठक में सत्तारूढ़ पार्टी के 20वें राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया। स्वास्थ्य मंत्रालय की टेली परामर्श सेवा पर पिछले दो दिनों में मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य केंद्रों के विशेषज्ञ डॉक्टरों और आयुष्मान भारत के स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों में सामान्य डॉक्टरों और पैरामेडिक्स से जुड़े रोगियों के बीच रिकॉर्ड संख्या में टेली परामर्श हुए हैं। ये ई संजीवनी स्वास्थ्य पोर्टल पर अब तक किए गए टेली परामर्श की सबसे अधिक संख्या है, क्योंकि आयुष्मान भारत के स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में एक ही दिन में 3.5 लाख से अधिक टेली परामर्श किए गए थे, जो प्रतिदिन 3 लाख टेली कंसल्टेशन के अब तक के पहले रिकॉर्ड को पार कर चुका है। पेट्रोल और डीजल पर वैट को लेकर के गुरुवार को दूसरे दिन भी सियासी बयानबाजी जारी रही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि महंगाई के मुद्दे पर सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करें और सभी की बात सुने। इससे राज्यों को भी अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा और उनका दृष्टिकोण भी केंद्र सरकार को पता लग सकेगा। सीएम गहलोत ने कहा है कि कल पीएम मोदी ने कोविड को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग की। इस मीटिंग में सिर्फ 5 मुख्यमंत्री को अपनी बात रखने का मौका मिला। राजस्थान में अजमेर के पास किशनगढ़
हवाई अड्डे पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भारत में विकसित नेविगेशन सिस्टम गगन का परीक्षण किया। इस दौरान इंडिगो की एक फ्लाइट को गगन की नेविगेशन के सहारे लैंडिंग कराई गई। अथॉरिटी के मुताबिक ये परीक्षण सफल रहा है। इसके साथ ही भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला एशिया पैसिफिक क्षेत्र का पहला देश बन गया है। अधिकारियों ने कहा है कि इंडिगो की फ्लाइट में गगन आधारित लैंडिंग का इस्तेमाल किया गया था। ये भारतीय नागरिक उड्डयन के इतिहास में एयर नेविगेशन सर्विसेज के क्षेत्र में एक बड़ा मील का पत्थर है। उड़ने वाले टैक्सियों के बारे में चर्चा बढ़ने के बीच भारतीय मूल के एक उद्यमी रिकी संधू ने ब्रिटेन में एयर टैक्सी और डिलीवरी ड्रोन के लिए पहली बार हवाई अड्डा विकसित कर अपने सपने को साकार किया है। इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग विमान और ड्रोन तकनीक के लिए दुनिया का पहला पूर्ण संचालित हवाई अड्डा एयर वन कोवेंट्री शहर से इस समय प्रदर्शनकारी उड़ानों की मेजबानी कर रहा है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार उड़ने वाली टैक्सी और डिलीवरी ड्रोन का केंद्र मई के मध्य तक जनता के लिए खोल दिया जाएगा। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन और एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने एयरलाइन कंपनी इंडिगो के साथ पायलटों के खिलाफ जांच शुरू की है। इन पायलटों पर आरोप है कि उन्होंने उड़ान के दौरान विमान की इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी का दुरुपयोग किया। इन्होंने 121.5 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर सैलरी से जुड़ी बात की और प्रबंधन के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल किया है। ये सभी पायलट कोविड के दौर में काटी गई सैलरी को रिस्टोर नहीं करने से नाराज थे। उत्तर प्रदेश से आगरा में इन दिनों प्राचीन चामुंडा मंदिर को हटाने के मामले में सियासत तेज होती जा रही है। 10 अप्रैल 2022 को आगरा रेलवे मंडल ने एक नोटिस लगाया था कि रेलवे स्टेशन राजा की मंडी के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से मंदिर को हटा लिया जाए। इसके साथ ही रेलवे प्राचीन चामुंडा मंदिर को हटाने का कार्य करेगा। नोटिस के 10 दिन बीत जाने के बाद आगरा DRM ने कहा है कि मंदिर इस बार हटके ही रहेगा, जिसके बाद सियासत तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी आज देश की राजधानी दिल्ली पहुंच गई हैं। वो 30 अप्रैल को अदालतों में लंबित मामलों पर एक सम्मेलन में हिस्सा लेंगी। इस बीच आज दिल्ली का राजनीतिक माहौल बंगाल को लेकर गर्म रहने के आसार हैं। एक तरफ टीएमसी की फैक्ट फाइंडिंग टीम प्रयागराज की घटना पर मानवाधिकार आयोग जाएगी, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के नेता पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा के पीड़ितों को लेकर राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है सोनी कुमारी, विवेकानंद कुमार, कार्तिक राज, महेश कुमार यादव, सोनाली सिंह, विपिन बिहारी, जितेंद्र ठाकुर, अर्पण कुमार, सोनी कुमारी, सुजीत कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आपका सबसे पसंदीदा अभिनेता फिल्म इंडस्ट्री में कौन है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।